It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for gate till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream. Deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy combat. Register now. हेलो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून वेलकम बैक टू योर चैनल अन अकेडमी गेट सी सी एच अ वेरी गुड आफ्टरनून सभी बच्चों को एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे सब लोग ऑडियो फुल क्लियर आ रही है नहीं आ रही है चलो गुड आफ्टरनून गणेश दुर्गेश खुशबू प्रिया सब लोग को गुड आफ्टरनून जितेंद्र विनोद सुमित देवेंद्र ठीक है ऑडियो फुल क्लियर है सर लोग का सबको सबको जल्दी बता दो फटाफट चलो तो बी चल रहा था यार अपना बढ़िया तरीके से एकदम हाँ बोर्ड को ठीक करने के थोड़ा सा लेट हो गया लेकिन चलो हो गया फाइनली बोर्ड में कुछ नहीं हुआ था बोर्ड तो वैसे ही है जैसा था सॉफ्टवेयर में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती तो उसको मैनेज करने में दिक्कत आती बस है ना बिल्कुल तो सुबह सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गई थी तो वही सही हो नहीं रहा था दिमाग बहुत लगाया गया लेकिन अब फिलहाल सही हो गया ठीक है चलो तो शुरू करते हैं यार हम लोग बढ़िया से एकदम क्लास को तो देखो यार हम लोग लास्ट क्लास में ब्रेक पढ़ रहे थे ब्रेक सबको याद आ रहा होगा है ना ब्रेक हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे थे एकदम ठीक है तो उसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी अच्छे से जैसे कि क्या नाम है अपना सारा इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था पूरा टाइप्स पढ़े थे क्लासिफाई किया था कैसे ब्रिक बनता है वो देखा था अलग अलग टाइप की किल्स हमने देखी थी और हमने लास्ट क्लास में बॉन्डिंग पढ़ी थी ना कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कैसे कैसे होते थे कुछ रूल्स देखे थे हमने ये सब हमने पढ़ लिया था हम लोग ने उसके अंदर डिफेक्ट जो थे वो पढ़ा था तो चलो जल्दी शुरू करते हैं हम लोग अपनी क्लास को तो और आज ब्रेक हम लोग खत्म करेंगे हर हालत में ठीक है ब्रेक को हम लोग खत्म करेंगे दो ही टॉपिक बचे थे स्पेशल टाइप ऑफ ब्रेक और दूसरा जो बॉन्ड्स थोड़े बहुत एक्स्ट्रा हम लोग देखना चाहेंगे वो हम लोग देख सकते हैं ठीक है चलो ऑल क्लियर ऑडियो फुल क्लियर चल रहा है एकदम ठीक है तो सर को सभी लोग जानते हैं सर के बारे में सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है और उम्मीद कर रहे हैं कॉम्बैट उन्होंने तो दिया होगा बताओ कॉम्बैट कैसी रैंक हम लोग की आई बताओ फोर्थ अप्रैल को कॉम्बैट था कमेंट करके बताओ जल्दी से सब लोग फटाफट ठीक है सब लोग को पता ही कॉम्बैट हुआ था तो अभी सब लोग जो लोग नहीं भी दे पाए फोर्थ को कोई बात नहीं अब वो लेवेंथ को देंगे ठीक है एक स्टूडेंट था यहाँ पे जो चैनल पढ़ रहा था उसने मैसेज किया सर हम लोग देखिए कॉम्बैट में जीत गए अंडर फिफ्टी रैंक लाए हैं तो उनको अच्छा सब्सक्रिप्शन पर डिस्काउंट मिल रहा है तो फोर्थ अप्रैल को कॉम्बैट हुआ है अब अगले संडवेंथ को होगा फिर एटीन को होगा और फिर ट्वेंटी को कॉम्बैट होगा कितने बजे सुबह ग्यारह बजे सुबह ग्यारह बजे होगा ठीक है ये सब लोग जान लेंगे तो प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तुम लोग को बहुत ही अच्छे प्राइसेस में मिल जाएगा मतलब काफी डिस्काउंट मिल जाता है बच्चों को ठीक है चलो और एक बात और सुन लो कि ना क्या नाम है एलेवन ए पे तुम्हारा कॉम्बैट होता है तुम देख सकते हो अभी फिलहाल सेवेंथ अभी सेवेंथ अप्रैल तक अगर तुम सेवेंथ अप्रैल तक सब्सक्रिप्शन लेते हो सेवंथ अप्रैल मतलब आज फाइव हो गई है आज फिफ्थ अप्रैल की क्लास चल रही है 5th, 6th, 7th है ना तो सेवन्थ अप्रैल तक अगर तुम सब्सक्रिप्शन लेते हो तो तुमको तीन महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे ठीक है ये एक अन अकेडमी की तरफ से वो चल रहा है इसमें ऑफर तो सेवंथ अप्रैल तक अगर तुम ज्वाइन करते हो वन ईयर का कोर्स तो तुमको ट्वेल्व मंथ्स की जगह फिफ्टी मंथ्स मिलेंगे यही जो वन ईयर वाला है इसमें ट्वेल्व मंथ की जगह फिफ्टी मंथ्स लेंगे एक ऐसी इन्फॉर्मेशन थी सोचा तुम लोग को बता दिया जा तो जो बच्चे प्लान आउट कर रहे हैं जो क्योंकि जनरली बच्चे प्लान आउट कर रहे हैं और वो एक साल की तैयारी के लिए इसको लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो तुम अभी सात तारीख से पहले ले सकते हो क्योंकि सात तारीख से पहले ये तुमको इतनी फीस में ट्वेल्थ की जैकेट फिफ्टीन मंथ का मिल जाएगा तो आई होप तुमको बातें समझ में आ गई होंगी ठीक है और बा, बाकी जनरली जो प्राइस तुमको पता ही है वो तो यहाँ लिखे हुए हैं ठीक है सी एस टेन कोड यूज कर सकते हो हमेशा और एक साल की डेढ़ साल की और दो साल की फीस तुम्हारे सामने यहाँ पे लिखी हुई है ठीक है कोड सबको पता ही है सरका कोड सी एस टेन है उसको हमेशा यूज करना है ताकि तुमको डिस्काउंट अच्छे से मिल सके ठीक है तो ये फीस यहाँ पे लिखी है एक साल की ये है डेढ़ साल की और ये दो साल की लेकिन कोड लगाने के बाद बिना कोड के तो ऑब्वियसली फीस काफी ज्यादा है ठीक है चलो सर समझ गए बढ़ते हैं आगे ये तुम्हारा आइकॉनिक फीस है यार और देखो जरा क्लास का शेड्यूल सुन लो आज हम लोग जानते हो सुबह सेवन ए पे आर चल रही है वन फोर्टी पे बी चल रही है ठीक है आर सी सी बी एम का हमने पढ़ा था वहाँ पे है ना डब्ल्यू का डिजाइन खत्म हो गया है और शाम को पाँच आज आर नहीं बहुत आर क्वेश्चन कर लिए हैं आज थोड़ा सा बीएमसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ठीक है तो आज शाम को पांच दिन लोग बीएमसी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे बस एक घंटा बस बात कर करें ठीक है तो ये होगा सब कुछ कहाँ स्पेशल क्लास के अंदर जबरदस्त तरीके से ठीक है भाई चलो तो बढ़ते हैं अन अकेडमी पर एफ और जियोटेक होने वाला है बिल्कुल यार एफ और जियोटेक क्यों ही नहीं होगा पहले बहुत बार हो भी चुका है बहुत बार होगा भी है ना ठीक है तो ये अपना सिलेबस चल रहा था अभी तो सिलेबस में काफी चीजें देखो हम लोग सिलेबस में क्या कवर कर चुके हैं आज मंडे को क्लास शुरू हुई है तो देखो हम लोग ने अभी सीमेंट पूरा उड़ा दिया है सीमेंट का टाइप प्रॉपर्टी यूज सब हो गया है है ना याद आ रहा होगा हम लोग को अभी हम लोग मोटर पढ़ेंगे कल और कॉन्क्रीट का भी सब हो गया है ठीक है मिक्स का एक अलग से स्पेशल क्लास में वीडियो तुम चाहो देख सकते हो वरना यूट्यूब पर भी कवर कर देंगे अब हम लोग को बहुत सारी चीजें टिम्बर पूरा सर आपने कवर कर दिया है ब्रिक्स आपका पूरा कवर होने वाला है उसके बाद हमारे क्या क्या टॉपिक बचेंगे एग्रीगेट एफ आरपी अभी तो है अच्छा ठीक है सिरेमिक बहुत सिलेबस बेटा ठीक है लेकिन ये सब छोटे छोटे टॉपिक है बस आधे आधे घंटे एडमिश हमारा हो गया एडमिशन हो गया स्टोन बच्चे का लाइन ग्लास प्लास्टिक लाइम मोटर कल कराएंगे ठीक है कल बेटा लाइम मोटर का नंबर लगने वाला है चलिए ठीक है सर आइए जल्दी सिलेबस के ऊपर फटाफट हम लोग पढ़ रहे थे क्या हम लोग क्या पढ़ रहे थे ठीक है तो देखो यार क्या क्या कवर हो गया जल्दी से ओवरव्यू लेते हैं ये सब हो चुका है क्लासिफिकेशन हो चुका है गुड ब्रेक प्रॉपर्टी मैनुफेक्चरिंग टेस्टिंग यहाँ तक सब डिफेक्ट भी हो गया है डिफेक्ट्स भी हो गया है बस हमारा आज हमारा जो काम है वो स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स पढ़ना और ब्रिक मैसेनरी पढ़ना ठीक है ब्रिक मेसनरी हमने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है चलिए सर शुरू करते हैं अपनी क्लास को बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ाएंगे एकदम ठीक है तो ब्रिक मैसेनरी सर हम लोग को याद आ रहा है जहां तक हम लोग बॉन्ड में थे एक बार ओवरव्यू ले लेते ले हैं आपने इंट्रोडक्शन बताया था फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास हर तरह के ब्रिक हमको बताए थे हमने सब टेबल्स के थ्रू समझा भी था ठीक है याद ही आ रहा होगा तुम लोग को फोर्थ क्लास सबसे बेकार होता है ओवर बाइट होता था ना उसके बाद सर आपने हमको स्ट्रेंथ के बेसिस पे क्लासिफाई किया क्लासेस बताई फिर गुड ब्रेकअ के अंदर क्या क्या होता है सलीम सर आपने सलीम पढ़ाया था सिलिका एलुमिना लाइम है ना ये सब याद होगा आयरन ऑक्साइड मैग्नीशिया याद आ रहा सबको बढ़िया से सिलिका का काम क्या था सर इसका जो काम था वो क्या था इसका काम था सर कि शेप मेंटेन करे श्रिंकेज और वार्पिंग वगैरह से बचाए ठीक है चिरंदन पूछ रहे हैं सर फ्लैंज में डब्ल्यू डिजाइन होता है बिल्कुल होता है यार ऑब्वियस बात है ऑब्वियस बात है होता है बिल्कुल है ना क्यों नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता तुमको सोचो अगर तुम फ्लैंज के केस में ही अगर तुम्हारा मोमेंट एम्यूल मीटिंग से ज्यादा हो जाएगा या एम नॉट से ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियसली तुम डब्ल्यू डिजाइन कर सकते हो ठीक है चलो फिलहाल हम लोग इतना पढ़ेंगे नहीं तो वो सब तुमको ये जो टॉपिक्स टॉपिक पूछो ना करवा देंगे सर स्पेशल क्लास में अलग से बता देंगे एक आध क्वेश्चन तुमको वैसे प्रैक्टिस करवा देंगे ठीक है फिलहाल जरूरत नहीं है उसकी चलिए सर तरसिलीका हमारा हो गया फिर आपने एलुमिना बताया था प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करता है लाइम क्या करता है फ्यूजन करने में हेल्प करता है ठीक है फ्यूजन एक वर्ड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो याद रखो और लाइन बहुत ज़्यादा होगा तो ब्रेक हमारी जल्दी पिघल जाएगी है ना ये सब तुम्हें याद रखना चाहिए आयरन ऑक्साइड कलर देता है बहुत पूछते हैं ब्रेक का रेड कलर किसी से आता है तुम्हें याद होना चाहिए आयरन ऑक्साइड के से जिसका कंटेंट लगभग पाँच से सात परसेंट होता है ठीक है मैगनीशिया बहुत कम होता है हार्डनेस और येलो ट्रेंट प्रोवाइड करता है हमारा ब्रेक ऐसा होना चाहिए कि उसकी उसको अगर एक मीटर से गिराए तो टूटा नहीं चाहिए टफनेस टेस्ट तुमको बताया था हमने है ना एक मीटर की हाइट से अगर उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं तो टूटना नहीं चाहिए क्रशिंग से दस से ज़्यादा होना चाहिए पानी का एब्जॉर्प्शन ज्यादा नहीं उंड चाहिए उसको फिंगर करना कुछ नहीं होना चाहिए उस उसका रफ होना चाहिए कलर उसका डीप चल होना चाहिए और स्मूथ एट पर होनी चाहिए ठीक है और प्रिपरेशन हमने देखा था सर हमने इसको प्रिपेयर किया मोल्ड किया ड्राई किया तो प्रिपेयर किया था हमने पहले एंड में हमने अपने ईट क्या नाम मिट्टी को ऐसा बना दिया कि मिट्टी को ऐसा बना दिया सर क्या क्या हो गया सर उसमें प्लास्टिसिटी आ गई प्लास्टिसिटी आ गई प्लास्टिसिटी से क्या हुआ हमने उसको आराम से शेप दे दिया हैंड मोल्डिंग मशीन मोल्डिंग करके ठीक है मशीन अभी ग्राउंड और टेबल होती है टेबल मोल्डिंग ऑब्वियसली ज्यादा बेटर है तो शेप देना होता था बस सिंपल सी बात है इसको भी आप दो तरीके से दे रहे थे यहाँ पे ग्राउंड और हैंड ठीक है ये ग्राउंड और टेबल ये हैंड मोल्डिंग के दो टाइप थे आपने बताया था मोड इतने इतने टाइप की होती है लेकिन वॉल्यूम ऑफ मोड जल्दी बड़ा होता है क्योंकि बाद में हमारा ब्रिक जो है श्रिंक कर जाता है फिर ड्राइंग करते थे सर जो नई ताजी ईट हरी ब्रिक्स होती है उसके अंदर क्या होता है मॉइस्चर कंटेंट काफी ज्यादा होता है ठीक है मॉइस्चर कंटेंट काफी ज्यादा होता है उसको हम सुखाते हैं फिर उसके बाद हम उसको जलाते हैं ठीक है फिर उसके बाद उसकी बर्निंग करते हैं बर्निंग वगैरह हम लोग कैसे करते थे किल्स के अंदर करते थे ठीक है तुमको बताया था ये टेम्परेचर स्ट्रक्चर ये परमानेंट स्ट्रक्चर है यहाँ पर कुछ कंट्रोल रोल था नहीं तो जो ब्रिक बनती थी उसकी क्वालिटी बहुत बेकार हो जाती थी और समय काफ़ी लगता था ठीक है और एक परमानेंट चीज़ नहीं है ये सीजनल चीज़ है और गाँव में काफ़ी प्रेवलेंट है ये लेकिन फिलहाल अगर तुमको कुछ बिजनेस वगैरह करना है या ईट का प्रोडक्शन करना है तो हम लोग जल्दी किल्स को प्रोवाइड करते हैं ठीक है इंडिया में इंटरमीडेंट किल्स काफ़ी पॉपुलर हैं बहुत कॉमनली देखने को मिलती हैं फिर आपने सब समझाया था हमको सब स्मॉल स्केल स्माल के लिए यहाँ पे ऑल्टरनेट लेयर्स हम लोग रखते थे टेप्रोल सेक्शन था सब कुछ याद आ रहा होगा तुमको ठीक है इंटरमीडियट हम लोग देखते थे इंटरमीडियट सर आपने दो बनाई थी ऑफ्ट्रॉट तो और डाउन रोड डाउन रोड में सर क्या था ज्यादा बेटर यू थे इसमें क्या था सर धुआं ऊपर जाता था तो नीचे ज्यादा पक जाती थी थीट ऊपर हिट कम पकी रह जाती थी ठीक है याद आ रहा है सबको और डाउन रोड में सर क्या था पूरा का पूरा चेंबर जो है बढ़िया से हीट हो रहा था तो यहाँ पे बढ़िया से बर्निंग हो रही थी ठीक है सर हमने बुलटाइज देखा था पार्शली ग्राउंड अंडरग्राउंड बहुत सारे चेंम्बर् होते हैं इसमें अलग अलग कामों के लिए ठीक है धीमी धीरे चलता रहता है लगातार किसी जीवर कुछ हो रहा है किसी जमर कुछ हो रहा है तो लगातार ईंट बनती रहती है रुकता नहीं कभी भी लेकिन हाँ इसमें क्या है कि परमानेंट रूफ नहीं है ऊपर से खुला रहता है हम लोग रूफ अपने हिसाब से सेट करते हैं चिमनी अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं जिस भी जिस भी चेंबर की जरूरत होती है ठीक है तो इसमें क्या है परमानेंट रूफ नहीं थी तो ऑब्वियसली ये पूरे सीजन काम नहीं कर सकती है लेकिन हाँ इंडिया में काफी पॉपुलर है क्योंकि इसकी स्टार्टिंग कॉस्ट क्या है स्टार्टिंग कॉस्ट कम लगती है और हमको यही चाहिए बिजनेस सेटअप करने के लिए ठीक है और हॉपन और बढ़िया होती है उसकी परमानेंट रूफ होती है पूरे सीजनल होती है काफ़ी अच्छी क्वालिटी ब्रिक्स मिलती हैं यहाँ पे इसकी वॉल्यूम भी थोड़ी कम होती है तो फ्लू गैसेस जो हमारी जो क्या नाम है गैसेस हैं वो अच्छे से ईंट को पका पाती हैं कम जगह यहाँ पे रहती है ना तो तुमको हमने कंपेयर कर समझाया था ज़्यादा पॉपुलर कम पॉलर इसकी इनिशियल कॉस्ट कम इसकी ज़्यादा है इसमें अच्छे क्वालिटी के ब्रिक थोड़े कम मिलते हैं ज़्यादा मिलते हैं ना तो ये सब चीज़ हमने अच्छे से देखी थी ठीक है उसके बाद उनको टर्न चल समझाया था फिर हमने तुमको डायमेंशन टेस्ट टेस्टिंग के समझाया था ठीक है बीस बीस ईटे लेते थे हम कम्पेस समझाया था लोग इस रेट पे देखते थे ठीक है पूरा पूरा याद आ रहा होगा पार्ट देखते चल रहे हैं यहाँ पे फिर वाटर ऑप्शन में सर आपने क्या किया बस ईट को भिगोया जो एक्स्ट्रा वाटर है अपॉन ओरिजिनल वेट करके आपने वाटर ऑप्शन निकाला और बोला कि उसमें नहीं करते ठीक है अच्छा हाँ एक बात और ईट को तुम लोग सही बोल रहे थे यहाँ पे ईट को यहाँ पे हम लोग स्टैंड करके रखते हैं ठीक है और पानी नहीं डालते हैं यहाँ पे हाँ सही कह रेट बेटा यहाँ पे इस ईट को ऐसे स्टैंड करके रखते थे ये हमने थोड़ा तुमको गलत जा दिया था इसको सही कर लो ठीक है ईट को यहाँ ऐसे खड़ा करके रखते हैं और क्या नाम है पूरी डूब जाती है ठीक है ट्वेंटी फाइव एम समझी रहे हो ठीक है इसमें पानी बार बार डालते जाओ डालते जाओ फिर सूखेगा पानी डालो फिर सूखेगा फिर पानी डालो फिर सूखेगा तो होता क्या है पानी धीरे धीरे एब्जॉर्ब करता है ब्रेक एब्जॉर्व है वेपोरेट होता है एबजॉर्व करता है वेपोरेट होता है एबजॉर्ब करता है वेपोरेट होता है और ये प्रक्रिया चलती रहती है एबजॉर्व वेपोरेट एब्जॉर्व वेपोरेट और धीरे धीरे क्या होगा उसके ऊपर इफ्लोरेसेंस आ जाएगी ठीक है पानी से कई बार डालते हैं ये प्रोसेस चल रहा है जब तक इफ्लोरेसेंस अच्छे से होना चाहिए ठीक है फिर वॉरपेस्ट था ठीक है ये भी याद है सर उसके अंदर आपने डिफेंट हमको समझा दिए ओवर अंडर ब्लोटिंग ब्लैक कोर इफ्लोरेसेंस सल्फर की वजह से ब्यूटोमिन और कार्बन कंटेंट की वजह से ये एल्कलीस की वजह से ठीक है सब पता है सर हम लोग को बहुत चैंपियन है ये हमारे क्रैक्स हैं लाइम के लाइम से लाइम लाइन ब्लॉस किया तभी आए हैं क्रैक्स है ना स्पॉट्स और सल्फाइड से आते हैं सल्फाइड जलते हैं और ये ब्लिस्टर और लैमिनेशन है जो एयर वॉइड की वजह से आते हैं और अगर ठंडा पानी गिर जाएगा हॉट ड्रिक से तो स्वस्थ हो जाएगा है ना ये भी पढ़ लिया था फिर हम लोग ने बॉन्ड्स पढ़े थे यार फिर हमने ये टेक्नोलॉजी देखी थी लास्ट क्लास में स्ट्रेचर हेडर लैप पर एरिस बेड कॉइन क्या था कॉइन मतलब कॉर्नर वाले कॉर्नर का कॉर्नर की बात है ठीक है फिर आपने क्लोजर और बैट समझाया था क्लोजर मतलब लेंथ के लॉन्ग आप ब्रिक को जब कट कर रहे हैं और जब आप विथ्थ के लॉन्ग कट करते हैं उसको बैट बोलते हैं ठीक है हाफ बैट और क्वीन क्लोजर काफी पॉपुलर चीज है इसको समझे रहना और क्वीन क्लोजर यूज भी किया था कहाँ यूज किया था सर बताइए भूल गए हम लोग थोड़ा सा कुछ बॉन्डिंग के रूल्स हमने समझाए थे कि हर छठा है छठा जो कोर्स होता है वो हेडर कोर्स देंगे तो प्रेफरेबल रहेगा बाकी लैपिंग वेरी इंपॉर्टेंट है लैप अगर आप नहीं देंगे तो जो वॉल है उसके अंदर अच्छे से लिटिल सिविलटी नहीं आ पाएगी और वो पूरी एक बाउंडिंग एक बाउंडिंग यूनिट की तरह काम नहीं करेगी है ना ये सब तुम्हें याद आ रहा होगा ठीक है ब्रिक्स शुड बी ऑफ यूनिफॉर्म साइज सही बात है ये सब हमने पढ़ा था और वर्टिकल जॉइंट्स होते हैं कोर्स के वो एक में होने चाहिए ये भी हमने देखा था तो बॉन्ड में आपने सर हमको हेडर बॉन्ड में बताया था हेडर बॉन्ड की जनरली जो थिकनेस थी वन ब्रिक थिक थी और यहाँ पे हम लोग कोने में थ्री फोर्थ बैट यूज करते थे क्या करने के लिए मेंटेन परपेंड को मेंटेन करने के लिए वर्टिकल जॉइंट्स जो एक लाइन होते थे ऑल्टरनेट कोर्सेज में उसको मेंटेन करने के लिए हम लोग थ्री बाय फोर बैट यहाँ पे यूज कर सकते हैं तुम देख सकते हो इमेज सब समझी थी हमने ठीक है बढ़िया तरीके से एकदम ओके हेडर था फिर आपने सर स्ट्रक्चर बताया था हाफ ब्रिक थी बताया था आज कुछ और हम लोग देखेंगे और स्पेशल टाइप ब्रिक खत्म करने स्पीड में चलते चलेंगे एकदम जब तक तो अपना यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हो जाएगी ठीक है तो स्ट्रेचर में अराउंड टेन सेंटीमीटर ठीक है और ये ये जो है लोड बेयरिंग नहीं होती है लोड बेयरिंग वॉल कम से कम वन ब्रिक थी होनी चाहिए लेकिन स्ट्रक्चर बॉन्ड को हम लोग जल्दी लोड बेयरिंग के लिए काम नहीं करते हैं ठीक है नॉट अ लोड बेयरिंग वॉल यहाँ पे तो लिख भी सकते हो चाहो तो ठीक है नॉट लोड बेयरिंग हम लोग यहाँ पे सिर्फ पार्टीशन डिवीजन और चिमनी वॉल इन सब के लिए काम कर सकते हैं नॉट अ लोड बियरिंग वॉल किसी भी हालत में ये नहीं होना चाहिए नॉट अ लोड बेयरिंग वॉल क्योंकि स्ट्रक्चर की थिकनेस काफी कम है ना देख सकते हो बस दस ही सेंटीमीटर तक की थिकनेस है तो लोड इस इसमें नहीं दिया था ठीक है जल्दी बताओ देखो परपेक्ट में तो यहाँ पे कॉर्नर क्या दे रहे हैं ध्यान सुनो हेडर में दिया थ्री फोर बैट इसमें हमने कोने में क्या दिया कमेंट करो यार कमेंट करो जल्दी से ठीक है बाकी सर्विस कह रहे हैं सर मैक्सिमम कितने मार्क्स आएगा बीएमसी गेट और ये सी में बेटा गेट में तो मान लो देखो यार हम कुछ बोल नहीं सकते चीजें चेंज हो सकती हैं लेकिन फिर भी मान के चलो गेट में दो नंबर हद से हद ठीक है और क्या नाम है ई में आता है पांच से पंद्रह नंबर का ठीक है पांच से नहीं पांच क्वेश्चन से पंद्रह क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकते हैं तो पांच इंटू दो दस नंबर मान लो दस नंबर का तो आना ही आना है ठीक है दस से तीस नंबर के बीच में तीन सौ पेपर होता है भूल गए थे क्वेश्चन बता रहे पांच से पंद्रह क्वेश्चन आ सकते हैं दस तीस मार्क्स के बीच में रेंज कर सकता है ठीक है तीस के ऊपर क्वेश्चन नहीं जाएंगे क्योंकि डेढ़ सौ क्वेश्चन है तीस क्वेश्चन के ऊपर ठीक है तीस मार्क्स से ऊपर नहीं जाएगा पंद्रह क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम ये ऐसा रूल है उनका ई एस वालों का ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं और बाकी क्या डाउट आए कि हॉफमैन इंडिया में ज़्यादा क्यों यूज होता है पैसा बहुत ज्यादा लगता है बेटा महंगा होता है स्टार्टिंग कॉस्ट ज्यादा होती बता चुके हैं इसलिए नहीं लेते हैं और सर एम पी पी एस आई बेटा बिल्कुल हेल्पफुल होगा यार बीएमसी तुम किसी एग्जाम के लिए पढ़ो सबसे ज़्यादा बढ़िया सिलेबस है ये बहुत बढ़िया कोर्स उन लोग करा रहे हैं बहुत हेल्पफुल रहेगा ठीक है लाइम मोटर इसके बाद पढ़ा दीजिए पी में क्वेश्चन है इसके कॉन्क्रीट में आई नो आई नो तो बिल्कुल पढ़ा दिया चिंता ना करो ठीक है होगा बस तुम लोग चलते रहो साथ साथ चलते रहो सब हो जाएगा सब होगा ठीक है चलो ध्यान देते हैं कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें सीखते हैं आज ठीक है अभी ब्रेक को देखो हम लोग अलग अलग -तर तरीके से अरेंज करते हैं स्ट्रेचर तो, तो, तो यही सब हम लोग समझ गए हैं फिर सर आपने इंग्लिश पॉन्ड पढ़ा था जैसे आपने बताया था कि एक ही मतलब ऑल्टरनेट कोर्सेज एक हेडर की है एक स्ट्रेचर की है एक पूरी हेडर 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 हो गई एक पूरी स्ट्रेचर स्ट्रचर हो गई ये हमारा इंग्लिश फोन होता है ठीक है इसमें हम लोग यहाँ देखो क्या दे रहे हैं क्वीन क्लोजर दे रहे हैं ठीक है अगर मान लो यहीं पे कोने में हम लोग कून क्लोजर की के जगह हम लोग यहाँ पे थ्री फोर्थ बैठ देते हैं तो वो जाता बांड। बांड है डच बॉन्ड डच बॉन्ड स्पेशल टाइप ऑफ इंग्लिश बॉन्ड है ठीक तो है उसको हम लोग यहीं पे कहो तो लिख भी देते हैं आज हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे तो एक एक करके डिस्कस करते हुए चलते हैं हम लोग ठीक है एक एक करके नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट चलो पढ़ा देंगे क्लास में यार एन डी टी एन डी टी सब एम टेक के टॉपिक है यार वैसे एन डी टी सात आठ टेस्ट होते हैं बस तो एक डच बॉन्ड और हो गया एक डच बॉन्ड और हो गया है बस कुछ नहीं है इसमें खास तुमको इमेज दिखाते हैं इसकी अभी ठीक है डच बॉन्ड स्पेशल टाइप ऑफ इंग्लिश बॉन्ड है लिखते हैं इट इज अ इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंग्लिश बॉन्ड जिसमें क्या होता है क्वीन क्लोजर की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं थ्री फोर्थ बैट यूज करते हैं ये तुमको दिखाते हैं हम ठीक है इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंग्लिश बॉन्ड स्पेशल टाइप ऑफ इंग्लिश बॉन्ड वेयर थ्री फोर्थ बैट इज यूज एज अ क्वाइन थ्री फोर्थ बैट इज यूज एज अ क्वाइन क्वाइन मतलब कोने वाला ब्रेक ठीक है यूज एज अइन टू मेंटेन परपेंड या टू बाई जो हमारा वर्टिकल ज्वाइंट ऑल्टरनेट की एक लाइन में रहें ठीक है टू मेंटेन परपेंड लिख सकते हैं इस चीज को ठीक है चलिए सर कहानी समझ आएगी थोड़ा इमेज दिखा दीजिए बढ़ते हैं आगे जरा हम लोग डच की इमेज थोड़ा दिखाइए तो हम लोग थोड़ा सीजाएंगे अच्छा इंग्लिश तो तुमको याद ही इंग्लिश हाँ एक और बात याद तुमको बताते हैं इंग्लिश बहुत कॉमन रहता है और बहुत स्ट्रांग रहता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है ठीक है इट इज स्ट्रोंगेस्ट बॉन्ड इंग्लिश बॉन्ड बहुत प्रीफर भी किया जाता है इट इज स्ट्रोंगेस्ट बॉन्ड फ्लमिश क्या था फ्लमिश सर बहुत सुंदर था क्योंकि एक ही में आप हेडर स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर कर रहे तो काफी सुंदर हो जाता था ठीक है ओके हाँ एनडीटी से एक आध क्वेश्चन आए हुए हैं ये सी हम बता देंगे तुम लोग चिंता ना करो लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं कुछ बहुत डेप्थ में नहीं आते हैं ठीक है सर चलिए ओके तो ये हमारा हो गया स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड अब आप इमेज दिखा रहे थे सर इमेज आप आ जाइए जरा एक सेकंड रुको उसको हटाओ यहाँ से बहुत परेशान कर रहा है ये बहुत सारी चीजें खुली हुई हैं। देखो यहाँ पे यही है लेकिन कॉर्नर ब्रेक दिख रहा है थ्री फोर्थ ये देखो कॉर्नर ब्रेक थ्री फोर्थ यहाँ पे छोड़ दिया है थोड़ा और अच्छा डायग्राम ये ज्यादा बढ़िया लग रहा है यार डच बॉन्ड बढ़िया दिख नहीं रहा है यही देख लो इसी को देख लो कुछ दिख रहा है कि नहीं बोलो बेटा कहाँ चला गया अरे, अरे, अरे ये जूम नहीं हो सकता तुम इसमें देख रहे हो कोने में यहाँ देख रहे हो सब लोग थ्री फोर्थ है ये देखो पूरा हेडर का कोर्स स्ट्रेचर वाले कोर्स में यहाँ पे थ्री फोर्थ बैट यूज किया गया देख रहे हो कि नहीं कहा चला गया यार देखो बढ़िया से तुम लोग कितने कितने टाइप के देखो बॉन्ड्स हैं यार कितने टाइप के बॉन्ड हैं देख पा रहे हो दुनिया के यहाँ पे तुमको दो तीन पे फोकस करना है हेरिंग बॉन्ड जो रेकिंग बॉन्ड होता है उसको हम लोग देखने जा रहे हैं देखना ध्यान से ज़रा तो ये तुम्हारा स्ट्रक्चर स्ट्रेचर तो हो ही गया है कॉमनली रनिंग छोड़ दो इंग्लिश पता ही है तुमको इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड जरूरी नहीं है एक गार्डन वाला और देख लो गार्डन वाला और देख लो तुम लोग ठीक है

देखो रेकिंग बॉन्ड हमारे दो टाइप के होते हैं ये तुम देख सकते हो इसमें क्या है इंक्लाइंड है अब ये इक्शन से फायदा क्या होता है इंक्लेन देते कैसे हैं ये कैसे तुम देखा भी होगा शायद ठीक है इससे क्या थोड़ा तो डेकोरेटिव चीजें बढ़ जाती हैं और लेटल स्टेबिलिटी आ जाती है लेटल स्टेबिलिटी इस तरह के बॉन्ड को बोलते हैं रेकिंग रेकिंग में दो होते हैं एक होता है हेरिंग बोन और एक हमारा होता है एक हमारा एक जिग्जैक देख लो चलो ये इमेजेस हैं तुम देखो तुम जरा बताओ इसमें और ये जिक्जेक में और हेरिंग में क्या फर्क है जिक्जैक में और हेरिंग में क्या फर्क है इसको हम लोग अपनी स्लाइड पर समझते हैं जो हम लोग स्लाइड चल रही थी बढ़िया से तो बढ़िया सर आइए वापस आते हैं आ जाओ ठीक है तो यहाँ देखो जरा ठीक है इंग्लिश हो गया सर हमारा इंग्लिश हमारा हो गया तो देखो डच तुम समझिए गए हो ना डच तो तुम समझिए गए हो डच हमारा क्या सर स्पेशल टाइप ऑफ इंग्लिश मॉडल जिसमें हम लोग थ्री फोर्थ बैट को क्वाइन पे रखते हैं वो भी स्ट्रेचर कोर्स में ठीक है टू मेंटेन परपेंड इन स्ट्रेचर कोर्स ये लिखना भूल गए थे इन स्ट्रेचर कोर्स ठीक है ये तुमने देख लिया इन स्ट्रेचर कोर्स ठीक है चलिए ओके okay, सर बाकी सर आपने हमको जो है क्या नाम है आपने सर हमको फिर फ्लेमिश वॉर्डर समझाया था फ्लेमिश वॉर्डर समझ गए थे बढ़िया से इसमें सर आपने दो बताए थे एक डबल फ्लेमिश और एक सिंगल फ्लेमिश अभी बाकी तुमको रेटिंग फ्लेको रेकिंग लिखा रहे हैं हम डबल फ्लेमिश और सिंगल फ्लेमिश सिंगल फ्लेमिश सर क्यों सिंगल उसको बोलते थे क्योंकि सर उसको ऐसा सिस्टम था उसको जब हमने सामने से देखा तब तो एक ही कोर्स में स्ट्रेचर हेडर स्ट्रेचर हेडर हो गया था सामने से तो हमको फ्लेमिंग फ्लेमिश दिख रहा था लेकिन पीछे से सर क्या था एक कोर्स में पूरा स्ट्रेचर था और एक कोर्स में पूरा हेडर था तो हेडर हेडर स्ट्रचर मतलब पीछे से इंग्लिश था वो एक पूरा कोर्स हेडर का एक पूरा कोर्स तो पीछे से इंग्लिश आगे से फ्लेमिश तो फ्लेमिश इंग्लिश फ्लेमिश इंग्लिश तभी इसको हम लोग क्या बोलते थे सिंगल फ्लेमिश क्योंकि सामने से फ्लेमिश पीछे से इंग्लिश ठीक है लेकिन डबल फ्लेमिश क्या था आगे से और पीछे से दोनों तरफ से कैसा था ये फ्लेमिश था तभी इसको हम लोग बोलते हैं डबल फ्लेमिश ठीक है और फ्लेमिश क्या था इंग्लिश से थोड़ा सा वीक था इंग्लिश थोड़ा वीक है इंग्लिश बॉन्ड ज्यादा था और फ्लेमिश की जो खास बात है सुंदर बहुत दिखता है ठीक है ये सुंदर दिखता है क्योंकि एक ही एक ही कोर्स के अंदर तुम हेडर हैचर दोनों यूज कर रहे थे ओके okay, तो ये सब हमने पॉइंट डिस्कस किए थे और एक और बात फ्लेमिश में भी देखो हम लोग क्या यूज करते हैं क्लोजर को मेंटेन करने के में, कोने में और सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी यूज करते थे इंग्लिश में भी ठीक है तो एक बार जरा रिवाइज कर लेते हैं सर हेडर में देखिए हम लोग क्या कर रहे थे हेडर में थ्री फोर बैट यूज करते थे याद आ रहा है देख लो हेडर में देख के चलो हेडर में हम लोग थ्री फोर बैट यूज करते हैं कोने में हेडर में स्ट्रेचर में सर हम लोग में हम लोग क्या करते हैं हाफ बैट यूज करते हैं हाफ बैट यूज करते हैं इंग्लिश में सर हम लोग क्या करते हैं क्लोजर और इसमें भी क्विंक्लोजर दोनों में क्विंक्जर यूज कर सकते हैं देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्विंक्जर या थ्री फोर बैट यूज कर सकते हैं वो इंग्लिश हो जाए कन्वर्ट किस डच में ठीक है तो यहां तक की कहानी तो ने अच्छे समझ ली है यहां तक कहानी तुमने तो अच्छे समझ लिया है दो चार बॉन्ड और है जो हम यहाँ पे जल्दी जल्दी लिख दे रहे हैं ठीक है इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन लेकिन एक आध बन सकते हैं तो वो हम यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं ठीक है तो यहाँ देखो जो तुमको सर और बता रहे हैं मेनली चार टाइप के बॉन्ड हमने देख ही लिए बाकी सर आपका एक और है आप बोल रहे हैं रेकिंग बॉन्ड ठीक है रेकिंग मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं हम लोग इंक्लिनेशन पे दे रहे हैं ठीक है इनक्लाइंट हम लोग यहाँ पे ब्रिक्स यूज कर रहे हैं इनक्लाइंट ब्रिक्स आर यूज लेकिन पूरी पूरी वॉल में हम लोग इंक्लाइन नहीं करते हैं पूरी पूरी वॉल में इंक्लाइन नहीं करते देखो ठीक है ब्रिक्स ब्रिक्स आर आर अब जैसे मान लो हैं इसमें भी देखो तुम्हारे दो हैं यार एक तुम्हारा होता है रेकिंग एक तो तुमने हेरिंग देख लिया ठीक है एक हेरिंग था एक तुम्हारा कौन सा था ये इनक्लाइंट था पूरा एक से तुमको बेटा पी अपडेट करानी है पी अपडेट करनी है हो जाएगी चिंता ना करो ज़्यादा समय के साथ सब कुछ होगा समय के साथ सब कुछ होगा धीमे धीमे ठीक है हाँ इसमें देखो इसमें दो होते हैं एक होता है सर डायगनल एक होता है सर डायगनल बॉन्ड और एक होता है हेरिंग है बोन एक होता हैरिंग है बोन जो तुमने अभी देखा वाला ठीक है है दोनों में लेकिन दोनों फर्क जरा देख लो दोनों फर्क देख लो, देखो ऐसा देते हैं ठीक है कोने में चारों तरफ स्ट्रेचर देंगे और पूरी दीवार में इंक्लाइंड नहीं करेंगे देखो इधर चारों तरफ स्ट्रेचर दे दिया हमने ठीक है यहाँ देखो स्ट्रेचर दिया गया है तो ये स्ट्रेक्चर यहाँ पे इधर से अच्छा रखोगे थोड़े से लंबे लंबे आएंगे है ना तो जगह काफ़ी छोड़नी पड़ती है भाई बीच में बीच में जो वॉल्स हैं सर इंक्लाइन दिए गए हैं देखिए बीच में यहाँ पे इंक्लाइन करके यहाँ पे ब्रिक्स लगाए गए हैं ठीक है पहले लाइनें खींच देते हैं फिर बना देंगे ये हमारा हो गया डाइगनल ये हो गया बेटा क्या डाइगनल ठीक है समझ गए बहुत सिंपल चीज़ है और एक बात और इसमें चारों तरफ स्ट्रचर होता है बीच हमने डायनल बॉन्ड दे दिया होता है बढ़िया से ठीक है लेकिन ये डाइनल पूरी दीवार में नहीं होता है अगर मान लो बहुत बड़ी सी दीवार है तो उसमें क्या करो एक स्क्वायर बनाओ स्ट्रेचर का उसमें बीच में कर दो फिर ऐसे नीचे एक स्क्वायर बनाओ ठीक है इसके बीच में ऐसे ऐसे डाइनल कर दो समझ रहे हो तो मतलब पूरी दीवार में तुम पूरा इंक्लाइन नहीं देते हो ठीक है इससे अच्छा एक और बात सर रेकिंग बॉन्ड जो इक्लेशन हम लोग देते हैं उससे फायदा क्या मिलता है उस इक्लेशन से फायदा ये मिलता है यार की स्टेबिलिटी लेटरल एक्शन पर बढ़ जाती है लेटरल डायमेंशन की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है ठीक है यहाँ लिख देते हैं इंक्रीज स्टेबिलिटी इन लेटर डायरेक्शन इंक्रीज स्टेबिलिटी इन लेटरल डायरेक्शन और पूरी वॉल में हम लोग एक साथ कंटिन्यू करते हैं ठीक है इन लेटरल डायरेक्शन चलिए ओके सर ये भी समझ गया हम लोग अब जरा बात कर लेते हैं आगे इसकी हेरिंग मोड में सर क्या होता है, देखो वही चीज़ है. बस एक ही डायरेक्शन है यहां पर ऐसे ऐसे कर देते हैं यहां पर दो ऐसे भी बना देते हैं बस और कोई फर्क नहीं है बहुत ज्यादा ठीक है यहाँ पे हमको बाहर एक स्ट्रेचर कोर्स देना है बाहर भी हमको हमने एक स्ट्रेचर कोर्स दिया ठीक है सिंपल सी बात और ये स्ट्रेचर कोर्स बना देते हैं पहले जल्दी से ठीक है ये बन गया स्ट्रेचर कोर्स हमारा ओके सर ओके बढ़ते चलो फटाफट ठीक है ओके okay, तो अब इसके अंदर कैसे इंक्लाइन कर रहे हैं सर देखिए ऐसे ऐसे इस तरीके से दो बार इसको मोड़ा जा रहा है ठीक है दो बार इसको ऐसे मोड़ा जा रहा है ऐसे इस तरीके से ठीक है ये तुम्हारा हो जाता है हेरिंग बोन

ये ऐसे करके चलता नहीं जा रहा है ये ऐसे करके ऐसे 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 चलता नहीं जा रहा है अगर ऐसे ऐसे चलता जाएगा लगातार ठीक है तो वो हो जाएगा कौन सा जिक्सैग पैटर्न लेंथ में आ जाएगा का काफी या देखो uh अब ये चल रहा है एक बार वी बना एक बार बना दूसरी बार बना ये ऐसे 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 होता जा रहा है बार बार तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं जिग्जैग बोलते हैं फिर ठीक है क्या बोलते हैं इसको हम लोग जिग्सैग बल्कि इसको लिख भी देते हैं हम लोग पे तो रेकिंग हमारे दोस्त समझ गए हम लोग फिर आप जिक्जैग हमको बता रहे हैं जिग्जैग को हम बोल सकते हैं एक्सटेंडेड हेरिंग मोन है ना एक्सटेंडेड मतलब लंबे पैटर्न तक ठीक है तुम समझ गए इजी है और ऑब्वियसली इंक्लाइन करने से कुछ पार्ट को इंक्लाइन करने से सर होता क्या है स्टेबिलिटी में बढ़ती है ना अब इस पार्ट की स्ट्रेंथ में बढ़ेगी तुमने ऐसे करके बहुत सारे ब्लॉक्स बना रखे हैं इमेजिन करो वो वॉल की स्ट्रेंथ लेटर एक्शन ऑब्वियसली थोड़ी सी बढ़ जाएगी ठीक है जिग्जेक हो गया रेकिंग हो गया एक होता है फेसिंग एक और है फेसिंग ऐसे ही पूछा गया है फेसिंग भी देख लो ठीक है फेसिंग में क्या होता है फेसिंग माउंड थोड़ा सा बेकार है इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा नहीं होती है डिफरेंट थिकनेस के ब्रिक्स जो है हम लोग यूज कर लेते हैं ये पॉइंट याद रखना ब्रिक्स ऑफ ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस आर यूज ब्रिक्स ऑफ डिफेंट थिक्कनेस यूज खुद सोचो याद अब तो ब्रिक्स यूनिफॉर्म साइज के नहीं है डिफेंट डिफरेंट थिकनेस तुम ब्रिक्स यूज कर रहे हो एक कोर्स में कुछ कर रहे हो दूसरे कोर्स में कुछ कर रहे हो ठीक है तो पहली बार तो उसको एडजस्ट करने की प्रॉब्लम होगी और दूसरी बात यहां पर इम्प्रॉपर लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है यहां लिख सकते हैं लोड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म इसलिए इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम होती है लोड डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म ये पूछा गया है सी के अंदर एक्सेप्शन रीजन में कि ब्रिक्स ऑफ डिफरेंट थिकनेस आर यूज इन फ्लेमिंग बॉन्ड फेसिंग वॉन्ड हाँ तो और दूसरा रीजन ये दिया था कि उसकी स्ट्रेंथ कम होती है तो तुमको बताना उसकी स्ट्रेंथ कम क्यों होती है क्योंकि इसमें डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस होने जैसे यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पाती और लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनइवन हो जाता है लो डिसन इज नॉट यूनिफॉर्म इसी वजह से उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है थोड़ी सी कम हो जाती है तो बस इतने टाइप के बॉन्ड है जिनका थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए और जैसे तुम्हारी सारी कहानी तुमको अच्छे से क्लियर हो जाएगी ठीक है और अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है हमारा इंग्लिश बॉन्ड है और फ्लेमिश जो हमारा सुंदरता की ओर सुंदरता का प्रतीक है प्लेजेंट अपेयरेंस देता है ठीक है एस्थेटिक अपेयरेंस देता है बढ़िया ठीक है तो ये सारे बॉन्ड्स हमारे हो गए हैं कवर अब तुमसे पूछा जाएगा एक सवाल और फिर हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स पढ़ते हैं ठीक है तो जल्दी से इसका आंसर देंगे सब लोग ठीक है जल्दी सब लोग इसका आंसर देंगे पॉइंट तुमको ने कई बार बता दिए फटाफट आंसर दो फिर हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स देखते हैं कमेंट करेंगे सारे बच्चे जल्दी से बॉन्ड जैसे और भी बहुत सारे हैं लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन जल्दी नहीं बनते इनसे फिर भी तुमको हमने काफी ज्यादा पढ़ाए है हुए हैं हिमांशु कह रहे हैं पीडीएफ ना दिया कीजिए ये होती है ये होता अच्छा बच्चा एकदम है एक कि नहीं मांशु पी ना दिया कीजिए मतलब ये बात हमने पहली बार सुनी आज तक इंडिया में समझ रहे हो तुम कहां से आए हो कहा हाँ ठीक है इंग्लिश सही है इसका आंसर ऑब्वियसली विच बॉन्ड इज है लोड्स अगर हैं तो हम लोग इंग्लिश बॉन्ड यूज करेंगे ठीक है ओके तो दूसरा विच बॉन्ड इज मोर प्लीजिंग इन अपीयरेंस तो इन चारों में सबसे ज्यादा प्लीजिंग कौन है इन चारों से सब प्लीजिंग कौन है सर हमको तो पता ही है फ्लेमिश है ना और फ्लैमिश में भी कौन सा फ्लेमिश में भी कौन सा सिंगल की डबल जल्दी कमेंट करो सिंगल और डबल कौन सा दोनों में सही जवाब ठीक है चलो समझ में आई बात ठीक ओके बताओ भाई मिनिमम ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रेक शूट भी जल्दी से कमेंट करताओ फटाफट ये सब क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में यार हाँ ये एग्जाम के क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है स्ट्रेंथ वाटर ऑप्शन ये सब तुमको आइडिया रहना चाहिए ठीक है स्ट्रेंथ वाटर ऑप्शन तो बिल्कुल पूछता है फर्स्ट क्लास में तो हमको सर सब याद है एकदम स्ट्रेट रेक्टेंगुलर डीप रेड चेली चेरी कलर वाटर ऑप्शन बीस से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी हालत में उसके ड्राई वेट का क्रशिंग स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए सही बोल रहे हैं सब लोग वेरी गुड बिल्कुल सही डी जवाब है ना क्रशिंग स्ट्रेंथ टेन के ऊपर ही होनी चाहिए उसकी उसके बाद क्या था और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है डीप रेड चेरी कलर हो गया सब कुछ हो गया ना हाँ टेबल मोल्डेड थे और किल के अंदर बनाए गए थे थी, ठीक है ये फर्स्ट क्लास हमारा कौन सी किल यहाँ पे ज्यादा यूनिफॉर्मली बर्न ब्रिक प्रोड्यूस करती है तुमको हम बता चुके हैं इसका आंसर था बेटा फोर का जल्दी से फोर का बताओ सही है बिल्कुल डाउन रोड एकदम सही सोच रहे हो क्योंकि इसमें धुआं क्या था पूरी क्या नाम है किल के अंदर फैलता है और फिर वो यूनिफॉर्मली क्या करता है सबको एकदम इक्वली एक एक, एक गर्म करता है और यूनिफॉर्म ब्रिक्स बनते हैं एज कम्पेयर टू अपड्रॉड अपड्रॉट में नीचे की ईट जो है ज़्यादा सा ज्यादा सा गर्म हो जाती है ठीक है ज्यादा गर्म हो जाती है ठीक है तो तुम देख सकते हो किस तरीके से तुमको ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के ही है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ पे तुमको समझ में आने चाहिए ठीक है ब्रिक मैसेनरी ये बताओ सी, ये सी क्वेश्चन है बहुत बढ़िया ब्रिक मेसनरी के अंदर ठीक है ब्रिक मशीनरी के अंदर दो चीज़ें होती हैं सर ब्रिक मेसनरी के अंदर दो चीज़ें होती हैं एक तो होता है हमारा क्या एक तो होता है ईंट और दूसरा होता है मोटार मसाला जो मसाला हमारी ईंट को चिपकाता है सब जानते हैं मोटार अभी हम लोग पढ़ेंगे वैसे कल कल हम लोग मोटार और लाइन पढ़ने वाले हैं तो हाँ सर मोटार आप बताइएगा लेकिन तो ब्रिक मेसनरी है मोटार की जो स्ट्रेंथ है जो मसाले की स्ट्रेंथ है और जो ब्रिक की स्ट्रेंथ है वो क्या होनी चाहिए ज़्यादा कम की बराबर बताओ इसका फाइव का आंसर क्या होना चाहिए ऑब्वियसली अगर ये दोनों को एक यूनिट की तरह बिहेव करना है हमारी पूरी ब्रेक को एक जैसा बिहेव करना है तो ईंट और मसाले की स्ट्रेंथ अलग अलग होनी चाहिए क्या या ईंट ज्यादा स्ट्रोंग होना चाहिए या मसाला ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए या दोनों सेम होना चाहिए सोच के बताओ कमेंट कर दो जल्दी आज सोच के मसाला जो बीच में लगा रहता है जो मोटर बीच में लगता है बता दो बेटा बता दो बिल्कुल सही मैच करना चाहिए ठीक है वो मैच करना चाहिए सही बता रहे हो सी सही बच्चे बता रहे हैं ना तो ये याद रखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्रिक मेसनरी के अंदर मोटार स्ट्रेंथ और ब्रिक स्ट्रेंथ दोनों सेम होनी चाहिए ठीक है गुड अगला क्वेश्चन का आंसर देंगे सारे बच्चे अब अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे एक मीटर क्यूब ब्रिक मेसनरी में जो नंबर ऑफ मॉडल ब्रिक्स हमारे जरूरत पड़ती है वो हो, कितना होता है कमेंट करता हूँ बेटा जल्दी से एक मीटर क्यूब में नंबर ऑफ ब्रिक्स ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार पता भी तुमको वैसे ही वॉल्यूम तो निकाल सकते हो ठीक है सबको पता है नंबर ऑफ ब्रिक्स अगर हमको चाहिए तो क्या करेंगे हम लोग एक मीटर क्यूब को डिवाइड कर देंगे एक ब्रिक की साइज से ठीक है तो नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारा सिंपल फॉमूला लग जाएगा यहाँ पे टोटल वॉल्यूम को हम एक ब्रिक की साइज से डिवाइड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम हमारी वन मीटर क्यूब है और सबको पता है एक ब्रिक की साइज मसाले के साथ जो नॉर्मल साइज होता है बीस दस, दस दस होता है बीस दस दस सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट कितना तो लगभग लगभग ये हो जाएगा कितना पाँच सौ ठीक है तो यहाँ पे सी ऑप्शन ज्यादा बेहतर है सी ऑप्शन ज्यादा बेहतर है ठीक है पांच सौ साढ़े पाँच सौ ईट और बाकी कहीं फाइव मिनट दिख ही नहीं रहा है तुम बाकी कोई ऑप्शन ले नहीं सकते हो ठीक है कन्फ्यूज करने के लिए ये सी में पूछा गया है चलिए जब समझ गए एक दो क्वेश्चन और करते हैं फिर हम लोग चलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक की ओर फिर हम लोग स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स की ओर चलते हैं सात आठ सवाल उड़ाते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी थोड़ी सी बताओ भाई सेवेंथ का क्या आंसर होगा जल्दी सब बच्चे कमेंट करके बताएंगे फटाफट सर को सेवेंथ का क्या आंसर होने वाला है कमेंट कर दो सब लोग कमेंट कर दो जल्दी से वेरी गुड इसके बाद हम लोग स्पेशल टाइप्स ऑफ ब्रिक्स पढ़ने वाले हैं और फिर हमारा ब्रिक्स हो जाएगा खत्म तो सही है बिल्कुल सही बोल रहे हो विच क्लास ऑफ ब्रिक्स इज यूज फॉर सुपीरियर मेसन डीवर्क बिल्कुल सही बात है सुपीरिय मेसन डीवर्क है अगर आपको प्लास्टर भी नहीं करना है प्लास्टर करे बिना आप एक्सपोज भी रखते हैं उस ब्रिक को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ हर सेंस में ज़्यादा है चाहे एवरेजन हो चाहे वेदरिंग हो ठीक है हर चीज़ में उसकी रेस्टेंस क्या होगी ज़्यादा होगी तो उसको हम लोग बोल रहे हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक ठीक और फिर अगला क्वेश्चन लास्ट ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग इसके बाद स्पेशल इस टाइप पढ़ेंगे फर्स्ट क्लास ब्रेक शेल नॉट एब्जॉर्व मोर देन डैश परसेंटेज ऑफ वाटर एनिवर्स इन ट्वेंटी फोर आवर पता ही है सबको कुछ नहीं है सर इसमें ट्वेंटी परसेंट ठीक है तो जितने बच्चे क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं सही दे रहे हैं चलो भैया अब आगे आते हैं हम लोग वेरी गुड विवेक कह रहे हैं सर डिजाइनर सुविधल ट्वेंटी सिक्स से हाँ बेटा बिल्कुल देखा जाएगा अगर BMC या किसी और चीज़ में कुछ वेट होता है तो हम लोग फिर मे से स्टार्ट करेंगे वरना मोस्ट ये ट्वेंटी सिक्स शुरू करेंगे हम लोग ठीक है हाँ बिल्कुल डिजाइन और स्टील सर पढ़ाना शुरू करेंगे स्टील का वेटेज थोड़ा सा कम माना जाता है लेकिन चलो तो कोई नहीं कहाँ पहुंच गए सर हाँ तो अब आते हैं हम लोग जरा किस पे स्पेशल टाइप्स पे ज़्यादा पीछे हो गया जारा, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ कहा अरे रुकी नहीं रहा हाँ ये आ आगे हमारे ठीक है तो स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स हम लोग को देखना है यहाँ पे और एसी में इससे क्वेश्चन भी आए हुए हैवी ड्यूटी सबसे पहला जो हम लोग देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर वो क्या है हैवी ड्यूटी ब्रिक अब तुमको देखने है, इसको पहले देख लो थोड़ा अच्छे से कलर इसका देखो किस तरह का है कलर थोड़ा सा अलग है इसका हैवी ड्यूटी का ठीक है प्रॉपर्टीज की अगर हम लोग बात करें तो इंपॉर्टेंट इसके अंदर कुछ हम लोग पॉइंट्स जोड़ेंगे हैवी ड्यूटी देखो नाम से समझ में आ रहा है ये ज़्यादा लोड ले सकता है ठीक है ये ज़्यादा लोड ले सकता है इसकी लोड हेलिंग क्षमता सर ज़्यादा होगी ठीक है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे बढ़िया से तो हैवी ड्यूटी का जो कोड है यार हैवी ड्यूटी का जो कोड है वो हमारा है आई एस आई एस टू वन एट जीरो ठीक है इतना नहीं पूछेगा कुछ भी लिख दे रहे हैं और सर ये जो ब्रिक है इसकी फ्लोरेसेंस एकदम नील होनी चाहिए इसकी दो क्लास होती हैं सर इसकी दो क्लास होती हैं एक तो होती है क्लास फोर हंड्रेड और एक होती है क्लास फोर फिफ्टी ठीक है एक होती है क्लास फोर हंड्रेड दो क्लास होती है लिख देते हैं हम

क्या क्या है? है? है, है? है, नाम ये जब तुम तो उसको Newton per कर दो तो हो जाएगा, ठीक है? और 450 की जो होती है, वो कितनी रहती हमारी? तो इनकी जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है काफी ज्यादा होती है दो क्लास में आप डिवाइड करके बता रहे हैं सर इसको ठीक है हम लोग याद रखेंगे हमारा ड्यूटी ब्रेक हो गया इसकी निल होनी चाहिए प्रोसेस बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इसकी जो डेंसिटी होती है वो पच्चीस सौ से कम रहती है इसकी जो सर डेंसिटी है दैट इज लेस देन वाटर ऑप्शन देखो कितना कम है चार से दस परसेंट की रेंज में रहता है बहुत कम हो जाता है चौबीस घंटे जब उसको पानी रखोगे दस परसेंट से कम इसमें पानी पर होना चाहिए डेंसिटी इसकी पच्चीस सौ से कम रहनी चाहिए ठीक है पच्चीस सौ से कम रहनी चाहिए डेंसिटी ये सब कुछ खास बातें हैं तो ऑब्वियसली अब, अब इसको यूज कहाँ करेंगे जहां पे लोड ज्यादा हो अरे हैवी ड्यूटी है सर इसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है ये ज्यादा पानी उदर नहीं करता है ये भी नहीं होना है तो इसको यूज करोगे इंडस्ट्री में यूज करो यहाँ पे लोड वगैरह ज्यादा पड़ते हैं ठीक है थीके? तो यहां लिखा है इंडस्ट्रियल या बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है भारी भारी या ब्रिजेस हैं जहां पे लोड काफी ज्यादा है तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे ड्यूटी ब्रिक्स को यूज करेंगे ठीक है कोई शक इसमें जल्दी से बता दो जल्दी सर को से फटाफट इसका टॉलरेंस तुम चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे एक टेबल बनाते हैं हम लोग एक टेबल यहाँ पे बना देते हैं ड्यूटी में यहाँ पे एक टेबल बना लो छोटी सी कि इसकी जो डायमेंशन है उसकी टॉलरेंस लिख लो यहाँ पे ना डायमेंशन में टॉल लिख लीजिए फटाफट फड़। तो देखिए सर ऐसा है इसमें दो क्लास के ब्रिक हैं एक है सब क्लास ए एक सब क्लास ए है एक सब क्लास बी है ये इसके अंदर दो टाइप के ब्रिक हैं सब क्लास ए सब क्लास बी ऑब्वियसली सब क्लास ए बेटर है बी से और हम लोग यहाँ पे टॉलरेंस लिखने जा रहे हैं इनकी ठीक है टॉलरेंस लिखने जाएंगे तो यहाँ पे जो हमारी ब्रिक है नाइनटीन और नाइन दो डायमेंशन है और नाइनटी नाइन ब्रिक होती है भाई सबको पता ही है नाइनटीन सेंटीमीटर वाली जो साइड है उसमें सर कितना टॉलरेंस पॉसिबल है सेंटीमीटर वाली जो साइड उसमें कितना टॉलरेंस पॉसिबल है प्लस माइनस सिक्स माइनस फिफ्टीन प्लस माइनस सिक्स एम प्लस माइनस फिफ्टीन एम ठीक है ये अब तुम पूछो सर आप ये सब कहाँ से लिख रहे हैं कहाँ से लिखे जा रहे हैं सर आप ये सब अरे बेटा जो कोड लिखा है इस वहाँ से लिख रहे हैं ठीक है वहाँ से लिख रहे हैं ये हमारा प्लस माइनस थ्री एम एम और ये हमारा प्लस माइनस सेवन ये सब देखो जनली हमको भी याद नहीं रहता है लेकिन तुमको नोट्स चल चलने तो बना दिया पूरा ठीक है तो इनकी है कि सेंटीमीटर प्लस माइनस अगर हो गया एक एक में तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है सब क्लास तो मेन क्लासिफिकेशन हमारा ये है और इनके अंदर भी हर एक क्लासिफिकेशन के अंदर दो दो क्लासिफिकेशन है ठीक है हर एक क्लासिफिकेशन के अंदर दो दो क्लासिफिकेशन मतलब कुल चार हो गए क्लास 400 में ए और बी और 450 में ए और बी ठीक है तो ये टोटल हो गया बाकी टॉलरेंस देख ली और इसका यूज हमको समझ में आ गया सर अच्छे से सारी कहानी पे क्लियर हो गई ठीक है सेकंड नंबर पे आते हैं सेकंड नंबर में हमारा क्या हम देख पा रहे हैं बर्ड क्ले बर्ंड क्ले परफोरेटेड ब्रिक्स ठीक है बर्ंड क्ले परफोरेटेड ब्रिक्स देखो यहाँ पे इमेज देखो सब समझ में आ रहा है बीच में क्या है परफोरेशन हमको दिख रहे हैं बढ़िया तरीके से एकदम ठीक है सर इसका कोड क्या है इसका कोड क्या है देखने में मिल रहा है ठीक है स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स से में काफी क्वेश्चन आए हुए हैं कभी ना कभी आते रहते हैं कभी कभी कोर्ट और भी पूछ लेते हैं सीधा ऑब्वियसली वो सब बतावाना पॉसिबल नहीं हो पाता उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लेकिन हाँ जो एटलीस्ट रिपीट हुए हैं तुम जितना याद कर पाओ तुम याद कर सकते हो ठीक है तो इसमें क्या होता है सर बीच में होल्स होते हैं परफोरेटेड बीस हमको दिख रही हैं होल्स है, यहाँ पे दिखाई देते हैं हम लोग को और ये जो परफोरेशन हैं ऑब्वियसली ये देखो लिखा हुआ है ये जो परफोरेशन का एरिया है शुड नॉट बी मोर देन थर्टी टू फोर्टी परसेंट ऑफ पूरा फेस ठीक है पूरे फेस का जो एरिया है और जो होल्स का जो परफोरेन्स का एरिया है वो फोर्टी परसेंट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए लिखा है ठीक है और हर एक परफोरेशन ईच परफोरेशन जो तुम यहाँ देख रहे हो हर एक छोटा छोटा परफोरेशन तुमको दिखाई दे दे रहा है इट शुड नॉट बी मोर देन फाइव हंड्रेड एम ए स्क्र इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ कमाल क्या है ये बर्न क्ले ब्रिक्स हैं है देखो सभी बर्न क्ले हैं सारी ब्रिक्स जो है क्ले जो क्ले जो अपना है उसको जला के बनाई गई है सबको पता है बात तो परफोरेशन में क्या है सर ये पार्टीशन वॉल लाइट स्क्चर्स वहाँ यूज कर सकते हैं जहां आपको वेट कम चाहिए लेकिन हाँ साउंड प्रूफ नहीं है ऑब्वियसली यहाँ से क्या है साउंड तुम्हारी यहाँ पर चली जाएगी ऑब्वियसली बात है यहाँ पे साउंड प्रूफ नहीं है ये है ना ये इसका बड़ा ड्रॉबैक है लेकिन हाँ वेट कम पार्टीशन के काम ये सब काम अच्छे से आ सकती है ओके बता दो भाई सब लोग बिल्डिंग वॉल्स और पार्टीशन से काफ़ी यूज़ की जाती है ठीक है वेरी गुड और वाटर ऑप्शन लिखते हैं थोड़ा सा एक दो पॉइंट और ऐड कर देते हैं यहाँ पे यहाँ नहीं लिखे हुए हैं ठीक है वाटर एब्जॉर्प्शन जो हमारा है सर वाटर ऑप्शन यहाँ पे सात परसेंट पंद्रह से कम रहना चाहिए और क्रशिंग स्ट्रेंथ इसकी सात से कम ही रहती है ठीक है कंप्रेसिव साथ से कम रहती है ठीक है सेवन से कम और बताइए सर चलिए हल्की है साउंड प्रूफ नहीं है ये भी मान लिया हमने उसके बाद अगला हमारा आ रहा है बंट क्ले हॉलो ब्रिक्स बंट क्ले हॉलो ब्रिक्स दिख रहा है सबको हॉलो ब्रिक्स आई एस थ्री नाइन फाइव टू आई एस थ्री फाइव थ्री नाइन फाइव टू ठीक है यहां तो सर आपने बड़े बड़े कैविटी दे, दे, दे दी एकदम हॉल ही कर दिया बीच में है ना वजन कम करने के लिए बीच में देख रहे हो कितना बड़ा हॉलोलो कर रखा है यहाँ पे ये हमारा क्या है बर्न क्ले होलो ब्रिक्स इसके अंदर बीच में कैविटी ब्लॉक्स हैं तुम देख पा रहे हो गए कैविटी ब्लॉक्स हैं इसके तीन टाइप होते हैं टाइप ए बी सी टाइप ए बी सी होता है ठीक है डिपेंडिंग इसका प्लास्टर का की कैसे जनरेट करते हैं हम लोग फिलहाल तुम कैविटी ब्लॉक्स देख लो और बाकी सा काम है कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट एंड साउंड को रिड्यूस करता है ये साउंड कहाँ से आ गया साउंड गलत दिखा बेटा है ना साउंड तो मुश्किल हो जाएगा इतना हॉलो है लेकिन हाँ एक बात समझो इसको पता है कहां यूज करते हैं भाई इसको यूज करते हैं वॉल के बीच में इसको यूज करते हैं वॉल के बीच में ठीक है जो बंट के हॉरो ब्रिक्स हैं समझना थोड़ा ध्यान से एक हमने आगे वॉल दे दी यार आगे वॉल दे दी हमने ठीक है अपनी वॉल लगी है उसके ठीक है उसके बीच में हम लोग उसके बीच में हम लोग यहाँ पे ये हॉलो वाले वॉल सकते हैं तो होता क्या उससे फायदा फायदा क्या हो रहा है कि हॉलो वॉल्स जो है इसके बीच में एयर इंट्रेप्ड एयर अब तुमको पता है एयर में जो साउंड की स्पीड है वो कम रहती है एयर को ठीक है एयर को क्या नाम है एयर की जो हीट कंडक्शन है साउंड कैरिंग एबिलिटी है या कुछ भी कैरिंग एबिलिटी वो क्या है कम है तो अगर मेन अपनी वॉल के बीच में अगर मेन अपनी वॉल के बीच में ये रहेंगे तो उससे क्या होगा एक तो खर्चा बच जाएगा सस्ती ब्रिक्स हैं ये सस्ती ब्रिक्स हैं इसमें एयर एंड एयर एंड क्या होता है सर इसकी हीट कंडक्टिविटी और साउंड कंडक्टिविटी क्या हो जाती कम हो जाती है ठीक है जो तुमको हम फेसिंग वॉन्ड बता रहे थे तो उस फेसिंग वॉर्ड में क्या है यही ब्रिक्स यूज होते हैं बर्न के लिए हॉलो ब्रिक्स हॉलो ब्रिक्स क्या करते हैं बीच में लगा देते हैं डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस यूज कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा हीट और साउंड का ट्रांसमिशन क्या होता है सर कम हो जाता है ठीक है तुमने महसूस भी किया होगा कि विंटर्स में हम लोग स्वेटर पहनते हैं स्वेटर वगैरह तो स्वेटर के बीच में क्या एयर फंसी रहती है वो एयर क्या करती है हीट की एमिशन को रिड्यूस करती है ठीक है इन जनरल अब हमारा आता है लास्ट लास्ट नहीं है इसके पीछे और भी बहुत सारे हैं चलो पहले हम लोग रिफ्रैक्ट्री पढ़ लेते हैं तो रिफ्रैक्ट्री मिक्सर क्या है बहुत सिंपल ये भी देखो नाम में लिखा रिफ्रैक्ट्री रिफ्रैक्ट्री का मतलब ही क्या है जिनकी हीट झेलने की क्षमता क्या हो ज्यादा और वो भी छोटा मोटा टेम्परेचर नहीं सत्रह सत्रह सौ तक हम इनका टेम्परेचर मतलब पहुंचा सकते हैं और इनको कुछ भी नहीं होगा ठीक है इस तरह के दिखते हैं देखो ये देखने में लग रहे हैं सर ये बहुत शक्तिशाली हैं और इनके अंदर हीट जलने की क्षमता बहुत ज्यादा है ठीक है और ये ए में पूछा गया ये सारे पॉइंट्स ये सी क्वेश्चन में आ चुके हैं रिफ्रैक्ट्री ब्रिक्स अपने आप में तीन टाइप के हैं एसिड ब्रिक्स बेसिक ब्रिक्स और ब्रिक्स इसके अंदर भी तीन टाइप आते हैं अब सर ये जो इसकी रिफ्रेक्ट्री प्रॉपर्टी आई है या इनको जो फायर क्लिबिक्स आप बोल रहे हैं तो ये फायर क्ले ब्रिक्स या रिफ्रेक्ट्री प्रॉपर्टी गेन कहां से कर रहे हैं ठीक है ये फायरिंग प्रॉपर्टी अचीव कहाँ से कर रहे हैं तो ऐसा होता है कि इसके अंदर हम लोग एल्यूमिना सिलिका इन दोनों का ही मेल्टिंग पॉइंट क्या ज्यादा है और इन दोनों के जाने से तुमको ने पढ़ा था वहां पे जिन क्ले में एलुमिना ज्यादा होता है याद आ रहा है कि नहीं जिन क्ले में एलुमिना की मात्रा ज्यादा उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा हाई होगा या yes सोनो no? बताओ भाई कमेंट करके समझ में आ रही बात तुमको समझा चुके हैं क्या पूछ रहे बेटा संजीव इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एस्टिमेशन कॉस्टिंग कौन सी प्लेस में लेगा बेटा यूट्यूब मिलेगा इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ाई है फिलहाल इंजीनियर इकनॉमिक्स प्लस में पढ़ाई है अपनी बात करें बाकी किसी ना किसी ने पढ़ाई होगी चलो हाँ बेटा रिकॉर्ड देते हो बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात है ठीक है।, है चलो सही है डाउट देख लिया तुम लोग हां तो क्या पता था यस याद आ रहा होगा एलुना जिस क्लेम जिस क्ले में एलुना की कंटेंट ज्यादा होगा तो क्या होगा ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर जो बन बर्न... बर्निंग टेम्परेचर रहता है जो किलन वाला टेम्परेचर रहता है उसको हम लोग क्या करेंगे बढ़ा देंगे थोड़ा सा ठीक है कम करने के लिए, के लिए क्या करते हैं हम लोग लाइम वगैरह मिलाते हैं ताकि फ्यूजन अच्छे से हो जाए ठीक है सत्रह सौ चार से दस और इनको लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए बंद करते हैं ठीक है ये ईंट ज़्यादा देर तक खुद सोचो जिसको तुम ज़्यादा टेम्परेचर में जलाओगे जिस ईंट को तुम अच्छे से पका के लाओगे और जिस ईंट को तुम क्या नाम है अच्छे से पका के लाओगे लंबे समय तक पका के लाओगे तो ऑब्वियसली उसकी स्ट्रेंथ क्या आएगी ज़्यादा आएगी उसके अंदर हीट की क्षमता भी होगी ठीक है तीन टाइप्स होते हैं इसके समझ गए हो अब इन तीन टाइप्स में थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर देते हैं क्वेश्चन आए हुए उसके ऊपर इनके भी नाम तुम्हें याद करने हैं पे है ना

एक ऐसा क्ले जिसके अंदर एलुमिना कंटेंट एलुमिना कंटेंट ज्यादा हो एलुमिना कंटेंट ज्यादा हो चलिए ओके सर इजी इजी फॉर अस उसके बाद एसिड ब्रिक्स में दो पढ़े हैं सर एसिड ब्रिक्स के अंदर दो टाइप हैं कौन है दो टाइप एक तो हो गए अपने वही फायर ब्रिक्स और सिलिका ब्रिक्स फायर ब्रिक्स और सिलिका ब्रिक्स ठीक है और सिलिका ब्रिक्स में सर क्या करते हैं फायर ब्रिक्स हम लोग समझे गए हैं सिलिका ब्रिक्स में क्या करते हैं हम लोग यार थोड़ा तो सा सिलिका मिला देते हैं थोड़ा सा सैंड का परसेंटेज मिला दिया जाता है ताकि इसकी जो ठीक है सॉफ्टनिंग टेम्परेचर उसकी रेंज क्या हो जाए फिर बेसिक ब्रिक्स के अंदर हमको तीन दिखते हैं बेसिक ब्रिक्स हमको तीन नाम याद करने हैं एक मैग्नेसाइट ठीक है ये बेसिक ब्रिक्स का एग्जाम्पल है मैग्नेसाइट ब्रिक्स डोलोमाइट मैग्नेसाइट डोलोमाइट और तीसरा क्या है यार बॉक्साइट ठीक है ये तीन ब्रिक्स होते हैं बढ़िया से जो तुम लोग इसमें याद कर सकते हो किसमें बेसिक ब्रिक्स में ठीक है अब बेसिक मतलब यहां पे बेसिक से मतलब नहीं है यहाँ पे ऑब्वियसली क्योंकि हम लोग ये जो मैग्नेसाइट है डोलोमाइट तुमको पता होगा शायद डोलोमाइट के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट मैग्नीशियम कार्बोनेट यूज करते हैं तो मैग्नीशियम और कैल्शियम जहां भी आता है ठीक है मैग्नीशियम कैल्शियम जहाँ भी आ रहा है इनके परसेंटेज चेंज होते हैं और ये डिफरेंट डिफरेंट बन जाते हैं तो मैग्नीशियम कैल्शियम के जो एल्कलीज हैं ऑब्वियसली वो बेसिक इन नेचर है तभी ये हमारे बेसिक ब्रिक्स होते हैं ठीक है मैगनीसाइड ब्रिक्स के अंदर हम तुमको बताएँ तो इसमें एम जी ई ओ एम जी ओ मैगनीशियम मैगनीशिया और कैल्शियम ऑक्साइड होता है ठीक है डोलोमाइट में तुमको अभी मैंने बताया एम जी सी ओ थ्री और सी एस सी ओ थ्री यहाँ पे कैलसाइंड फॉर्म ऑफ मैगनीशिया और लाइम होता है होता सब में मैगनीशिया और लाइम है और बॉक्साइड के अंदर क्या है बॉक्साइड के अंदर ऑब्वियसली तुमको बॉक्स साइड मिलेगा जिसके से प्रॉपर्टीज क्या होंगी इसकी थोड़ी सी रिफ्रैक्ट्री हो जाएंगी ठीक है इसके अंदर एलुना होगा एलुना तो इनमें सर क्या है इसमें सर एम जी ओ सी एम जी ओ सीओ यहां पे क्या है सर एम जी सी ओ थ्री सी ए सी ओ थ्री लिख दें क्या लिख दिया जाए क्या फिर न्यूट्रल का एग्जाम्पल से लिख देंगे लिख देते हैं सर इसको इसमें सर क्या है हमारा एम जी ओ प्लस सी एंड डोलोमाइट में सर हमारा क्या है एम जी सी ओ सी सी ओ थ्री सी ए सी ओ थ्री ठीक है ये रहता है कार्बोनेट होते हैं ठीक है कार्बोनेट्स होते हैं और बॉक्स के अंदर से क्या होता है एलुना होता है ना एलुना की मात्रा और खुद सोचो तुम बताओ अगर तुमसे पूछा इन तीनों में इन तीनों में सबसे ज्यादा किसके अंदर तो आएंगे किसके पॉउिंगे एलुना क्योंकि अलूमना सर क्या है इसके अंदर बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट क्या है सॉफ्टनिंग टेम्परेचर क्या है ज्यादा ये हाईली रिफेक्ट्री है बात समझ में आ गई होगी तुम लोग को फिर आते हैं हमारे न्यूट्रल विक्स फिर आते हैं हमारे न्यूट्रल विक्स न्यूट्रल विक्स में कुछ नाम लिख दीजिए फटाफट सर बात खत्म करें क्रोम ब्रिक्स इसके बारे में एसी में सवाल पूछा गया क्रोम ब्रिक्स तुमको पता होना चाहिए क्रोम ब्रिक्स न्यूट्रल है और फायर रेजिस्टेंस है फायर रेजिस्टेंट अब देखो नाम में लिखा है क्रोम तो ऑब्वियसली बताओ क्रोम के अंदर क्या कंटेंट होगा क्रोम ऑक्साइड है ना क्रोम ऑक्साइड यहाँ पे क्रोम क्रोमैग्नेसाइड ब्रिक्स अब देखो यहाँ लिखा है क्रोम मैग्नेसाइड तो क्या दिक्कत है कुछ नहीं सर इसके अंदर क्रोम ऑक्साइड तो होगा ही प्लस साथ ही साथ मैग्नेसाइड भी होगा मैग्नेसाइड कुछ नहीं होता है एमजीओ और सीओ का मिश्रण है बस ठीक है ओके सर ये भी आप सही बोल रहे हैं फिर क्या है जो नाम लिखा है वही यहाँ पे प्रेजेंट है ठीक है इस फाइनल और लास्ट क्या है इस फाइनल इसके अंदर मैग्नीशिया और एलुमिना है इसके अंदर मैग्नीशिया और एलुमिना की मात्रा है ठीक है और क्या नाम है हमारा और क्या नाम है और है लास्ट हमारा पोस्टराइट ब्रेक्स ठीक है अब तुम कहोगे सर आपने ये सब क्या बता दिया ये तो हमको कभी पूरे जीवन में मरते समय तक याद नहीं हो पाएगा तो ऐसा नहीं है तुम बस सिर्फ यहाँ पे इनका सुने रहो कि क्या क्या, क्या इनका नाम है ठीक है तुमको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि बॉक्साइट अगर बोल रहा है बॉक्साइट ब्रिक्स तो तुमको एटलीस्ट इतना पता रहे कि वो ब्रिक है वो ब्रिक है तुमको ये आइडिया होना चाहिए उसका वाटर वॉटरूशन कितना होगा तुमको आइडिया होना चाहिए उसका रेस्टेंट है कितना होगा तो तुमसे क्या करोगे ऐसे की जो वन टू फी वाले ऑप्शन आते हैं वो तुम अच्छे से एलिमिनेट कर पाओगे ठीक है तो इससे सर को यहाँ पे शौक नहीं लगा इससे पढ़ा रहे हैं सर ठीक है फॉस्ट्राइड एक मिनरल होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है ठीक है फॉस्ट्राइट मिनरल इसमें प्रेजेंट होता है रिक्स में ठीक है तो चलो ये तुम्हारे सारे हो गए कौन से रिफ्रैक्टरी इसके अलावा और भी बहुत सारे होते हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे ब्रिक्स होते हैं जैसे एक आध करके देख लेते हैं हम लोग एक आध देख ली जाए ठीक है एक आध देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे चलो भाई तो एक होता था हमारा एसिड रेजिस्टेंट देखो नाम में लिखा हुआ है एसिड रेजिस्टेंट उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी बहुत ज्यादा होगी एसिड रेजिस्टेंट ब्रिक्स ठीक है और इसका जो कोड है वो है आई एस फोर एट सिक्स जीरो और ये एसिड को झेलने में बहुत सक्षम है ठीक है तो वो बिल्डिंग्स जिसमें एसिड अटैक होने की चांसेस हैं या चेम्बर्स की लाइनिंग वाइनिंग हो रही है तो लाइनिंग जहाँ पे एसिड आ सकता है वहाँ पे यूज इसका बहुत ज्यादा होता है ठीक है तो इसका यूज देख देते हैं ऑब्वियसली यहाँ पे जो भी केमिकल प्लांट्स हैं केमिकल प्लांट्स केमिकल प्लांट्स चेम्बर लाइनिंग है ना चेम्बर लाइनिंग इन सब जगहों पे यूज होता है चैम्बर लाइनिंग हो गया या मान लो केमिकल प्लांट्स और बस वहीं जहाँ पे एसिड आ सकता है यार सीधी सी बात है चैम्बर लाइनिंग एटसेट्रा जहाँ पे एसिड अटैक के चांसेस हो ठीक है एसिड ज़्यादा आने की चांसेस बन सकती हैं ठीक है इसका जो डायमेंशन है इसका जो डायमेंशन है सर इसका जो डायमेंशन है कितना है यार टू थर्टी वन वन फोर

ठीक है क्लास वन और क्लास टू है और क्या है भाई इसमें वाटर ऑप्शन दो से ज्यादा नहीं है इसका वाटर ऑप्शन नॉट रिटर्न टू परसेंट अब ऑब्वियसली एसिड एस्टेंट है तो वाटर ऑप्शन ज्यादा करना ही नहीं चाहिए ऑब्वियसली इसका वाटर ऑप्शन फोर परसेंट ज्यादा नहीं होगा ठीक है और बताइए सर एसिड चलिए समझ गया नाम नहीं समझ में ही आ रहा था एसिड एस्टेंट उसके अलावा और क्या है भाई सीवर ब्रिक्स हैं सीवर ब्रिक्स सीवर ब्रिक्स स्पेशल टाइप ऑफ ब्रिक्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सीवर में यूज़ किए जाते हैं कई टाइप्स के ब्रिक्स ऐसे मार्केट में आजकल अवेलेबल हैं ठीक है इसका जो कोड है वो है आई एस डबल फोर डबल एट फाइव ठीक है ये है सीवर रिक्शा काम ऑब्वियसली इसको यूज़ करते हैं हम लोग कहाँ पे सीवर में यूज़ करते हैं लाइनिंग ऑफ वॉल्स वगैरह में यूज़ करते हैं बेसिक इसका साइज वही है नाइन्टी नाइन नाइन नाएं। ठीक है ओके ईजी है सर ये ईजी है हटाओ भाई इसको नाम में ही सब कुछ समझ में आ रहा है ठीक है अच्छा किससे बनते हैं ये जान लो चाहो तो किससे बनते हैं ये जान लो बस चाहो तो ये हमारे मेड ऑफ हैं क्ले और शेल ठीक है फाइन क्ले और शेल से बनते हैं ठीक है चलिए ठीक है? है सर और बताइए और ये तुम्हारा हो गया बर्ंड क्ले हॉलो हो गया हाँ बर्ड क्ले सोलिंग ब्रिक्स बर्ंड क्ले सोलिंग ब्रिक्स सोलिंग ब्रिक्स तुम सोलिंग दोनों को पढ़ा था एक्सिमेशन हमने बर्ंड क्ले सोलिंग ब्रिक्स सोलिंग तुम लोग को बताया था जब हमारी फाउंडेशन जहां पड़ती है और फाउंडेशन नीचे की जो मिट्टी है वो थोड़ी सी स्ट्रेंथ ना हो उसके अंदर ज्यादा तो हम लोग क्या करते हैं नीचे सोल बना देते हैं पूरा ब्रिक्स का ठीक है फाउंडेशन में नीचे तो उसको हम लोग बोलते हैं सोलिंग तो वहां जो ईट यूज होती उसको है उसको हम लोग बोलते हैं सोलिंग ब्रिक्स उसको हम लोग बोलते हैं सोलिंग ब्रिक्स आई एस फाइव डबल सेवन नाइन सोलिंग उसको बोलते हैं हम लोग ठीक है तो इनकी जो स्ट्रेंथ है इसमें क्या होता है आयरन इसमें क्या नाम है इनकी जो स्ट्रेंथ है अच्छी खासी होती है लोड को झेलने के लिए ठीक है लोड को झेलने के लिए बर्न क्ले सोलिंग ब्रिक्स यूज फॉर सोलिंग सिंपल सी बात यूज फॉर सोलिंग सोलिंग देखा है कि नहीं देखा बताओ? है बताओ बताया फिर तुम लोग को सोलिंग इमेज देखनी है कमेंट करो जल्दी से यस ये नो सोलिंग इमेज देखनी है तुम लोग को फिर ऐसा हमारा बर्न क्ले पेविंग ब्रिक्स बर्न क्ले पेविंग ब्रिक्स बर्न क्ले पेविंग ब्रिक्स ठीक है इनका कोड है आई एस फाइव एट थ्री ये पेविंग काम आते हैं इसके अंदर लेकिन आयरन कंटेंट ज्यादा है यार आयरन कंटेंट एक्सेसिव होने की वजह से इसमें जब वेट्रीफिकेशन होता है तो थोड़ा सा एक ठीक है एक थोड़ा सा फिनिश मिलता है अच्छा फिनिश मिलता है जिससे क्या होता है एवरेजन में बढ़ोतरी हो जाती है एवरेजन की बढ़ जाती है किसमें पेविंग रिक्स में ठीक है तो यहाँ लिख रहे हैं आयरन कंटेंट बढ़ता है इसमें आयरन कंटेंट इज मोर और वेट्रिफिकेशन प्रोसेस के समय ये आयरन कंटेंट क्या करता है उसके ऊपर एक ग्लेजीनेस लेके आता है आयरन कंटेंट इज मोर हेंस ड्यूरिंग विट्रिफिकेशन हेंस ड्यूरिंग विट्रिफिकेशन हेंस ड्यूरिंग विट्रिफिकेशन एक ग्लेज मिल जाती है ठीक है ड्यूरिंग विट्रिफिकेशन नेचुरल ग्लेज नेचुरल ग्लेज टेक्स प्लेस टेक्स place which increases which increases abrasion resistance which increases abrasion resistance ठीक है लाओ सा इमेज वगैरह देख लीजिए बहुत बहुत सारी ब्रिक्स आपने पढ़वा दी हैं ठीक है एक और लास्ट है बंट किया फेसिंग ब्रिक्स बंट के फेसिंग ब्रिक्स फेसिंग का तुम्हें तो तो बताया था फ्रंट फेस जो होता है वॉल का हमारा तो ऑब्वियसली ये ब्रिक्स हमारे फेसिंग में यूज होते हैं मतलब तो अलग अलग यूजेज के हिसाब से हमने अलग अलग ब्रिक बना रखी है कि कोई ज्यादा टेम्परेचर झेल रहा है तो कोई लोड ज्यादा झेल रहा है किसी को हम सीवर भी यूज को हम में यूज कर पा रहे हैं किसी को हम फेसिंग में यूज कर पा रहे हैं किसी को हम सोलिंग में यूज कर पा रहे हैं किसी को हम कहीं यूज कर पा रहे हैं तो मतलब अलग अलग हिसाब किताब क्या है सर अलग अलग यूजेज में सीवर के हम लोग कहीं यूज कर पाए कभी किसी पर्पज से तो अलग अलग हिसाब किताब से हम लोग अलग अलग ब्रिक्स जो यहाँ पे देख ली है ठीक है हल्का चाहिए तो हम लोग ने क्या करा हम लोग ने वे उसका परपोरेशन कर दिया उसमें हमने कैविटी ब्लॉक्स बना दी ताकि वेट क्या हो जाए कम हो जाए ठीक है बात समझ में आई सबको यार बढ़िया से ठीक है इमेजेस ये सही फॉर्म आएगा आ जाएगा बेटा चिंता ना करो जब आना होगा अब सुनने में तो आ रहा है जून में है तो अब देखो आना ही चाहिए अब तक ठीक है हाँ बेटा बिल्कुल सही बात है बिल्कुल प्रफुल भाई कर रहे हैं ठीक है चलो भाई तो इसके साथ हमने जो है सारे टाइप के ब्रिक्स बढ़िया से हमने अच्छे समाप्त कर लिए हैं तुम लोग चाहो तो सोलिंग ब्रिक्स पेविंग ब्रिक्स देख सकते हो ठीक है नेट पे सर्च कर लेना आराम से उनको मिल जाएंगे और यही हमारी थ्योरी यहाँ पे ब्रिक्स की थ्योरी यहाँ पे अच्छे से हम लोग समाप्त कर चुके हैं कल हम लोग मोटर और लाइम पढ़ेंगे ठीक है कल लाइम मोटर पढ़ेंगे आई होप तुम लोग अच्छे से संभाल लोगे उसको कहीं कोई दिक्कत तुम लोग नहीं आएगी शाम को हम लोग मिलेंगे स्पेशल क्लास में जहां पर हम लोग लगाएंगे बीएमसी क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त तरीके से ठीक है बताओ भाई कोई 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 क्वेरी हो कोई हो कोई डाउट हो दिक्कत डाउट पूछ लेना ठीक है चलो एंड करते हैं तो 5 पीएम पे हमारा आज जो है क्या होगा सर 5 पीएम पे आज हम लोग क्या करेंगे बीएमसी पढ़ेंगे ठीक है बीएमसी क्वेश्चन ही करेंगे और यहाँ हमने ब्रिक्स हमारा खत्म हो गया है ब्रिक ब्रिक खत्म हो गया थ्योरी बेसिक हमने सारी देख ली है ठीक है

A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive gamified contest for gate till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.